स्वागत है भाई सभी का नए दिन नए व्लॉग में। आई होप कल का व्लॉग देखा होगा और मजा भी आया होगा। आज भाई अगर बताया जाए तो हम यूनिवर्सिटी की तरफ से ही कह सकते हैं एक इंटर रिलीजियस एक्सकर्शन है, उसमें जाने वाले हैं क्लोन। हालांकि हमें भाई ये मौका कैसे मिला, इसमें सीट कैसे मिली, इसकी भी एक अतरंगी कहानी है। ट्राई करेंगे किसी कहानी ब्लॉग में इसके बारे में जरूर बात करने का। बट आज जो प्लान है ना वो ये है कि मिनी बस का इंतजाम किया गया है, हमें जाना है वहां तक, मतलब जो अपना पॉइंट है मिनी बस का, जो मीटअप पॉइंट है, वैसे 7:45 बोला है मिलने को, तो मिनी बस से अपना क्लोन ले जाएंगे। और वहां पे जो प्लान है जो लिखा गया है वो ये है कि वहां का जो डोम हो गया, वहां का जो सेंट्रल मॉस्क हो गई, वहां का जो सिनेगोग हो गया, ये प्लेसेस विजिट करेंगे और भाई देखेंगे भी। तो ये भी एक नया टाइप का एक्सपीरियंस होने वाला है। क्लोन हम गए हैं बट ट्रेन से गए हैं, मिनी बस से भाई फर्स्ट टाइम ही जाएंगे। तो चलते हैं क्योंकि समय भी होने वाला है, 7:45 का ही समय हो रहा है। हम यूनिवर्सिटी की तरफ से जा रहे हैं क्योंकि यूनिफिट के सामने ऑलमोस्ट मिलने को बोला गया है। और इसमें भाई वैसे लिमिटेड ही सीट्स है क्योंकि जैसा बताया कि बस से जाने का प्लान है तो उसमें सीट्स तो भाई नियमित ही होती है, पर बढ़िया है भाई मौका मिल रहा है जाने को। रोड क्रॉस करनी है भाई, कुछ लोग वहाँ देखो सामने खड़े दिख भी सकते हैं। और देखो हमारा 19 फीट के सामने ही पॉइंट है भाई। ये देखो भाई ये हमारी मिनी बस भी आ चुकी है यहाँ पे जिससे हम क्लोन जाएंगे। तो भाई देख सकते हैं बस जो हमारी है वो चल चुकी है अपना बढ़िया। अब सोच रहे हैं जो हमारी जर्नी है जो रास्ता है वो भाई दिखाते हैं म्यूजिक के साथ। 8 बजे के अराउंड हमारी बस चली है यहाँ से। भाई यहाँ पे थोड़ी देर हमारी गाड़ी रुकी थी ब्रेक लेने के लिए। ये देखो यहाँ पे भाई चलते हैं बस में। तो भाई फाइनली हम अपना क्लोन पहुंच चुके हैं। ये देखो भाई यहाँ से थोड़ा चल चल के आगे की ओर जा रहे हैं और देखते हैं हमारी जो पहली डेस्टिनेशन है वो क्या है। ये देखो भाई यहाँ से हम आए हैं और ये हमारे सामने यहाँ की देखो मॉस्क दिखती हुई जिसमें अभी हम जाएंगे। ये देखो भाई क्या मस्त विशाल का है बनी हुई है यहाँ पे, इतना खूबसूरत आर्किटेक्चर। यहाँ से ऊपर जा सकते हैं वैसे, और ऊपर भी भाई हम आ चुके हैं, यहाँ से भी जरा दिखाते हैं। ये देखो भाई यहाँ से पूरा जो व्यू आता हुआ, हम जस्ट सामने खड़े हुए हैं इस वक्त, बहुत ही सुंदर बना हुआ भाई। और ये देखो भाई यहाँ थोड़ा रोटेट करके दिखाया जाए तो एक टावर सामने भी दिखता हुआ यहाँ पे, और पूरा व्यू भी आता हुआ। देखो ऐसे रिंग्स बनी हुई हैं यहाँ पे, पीछे प्लेन भी गुजरता दिख सकता है। तो बहुत ही भाई मतलब सोच समझ के ये पूरा आर्किटेक्चर बनाया हुआ है। ये देखो सामने दरवाज़ा भी दिखता है और लोग यहाँ से वैसे सामने से अंदर भी जा रहे हैं, हम भी शायद अंदर जाएंगे तो ट्राई करेंगे दिखाने का, पर मस्त लग रहा है भाई। वैसे एक चीज़ अगर बताई जाए ना तो ये मॉस्क वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क तो है ही कह सकते हैं जर्मनी में और यूरोप में। और इसकी जो हाइट है ना वो 30 मीटर है भाई स्ट्रक्चर की, और जो मीनार है उसकी हाइट भाई 55 मीटर है। तो दिख ही सकता है, मतलब आइडिया लग ही सकता है कि भाई विशाल का है तो है ही ये मॉस्क। इसमें 1200 लोग मतलब वर्शिप कर सकते हैं एक बार में, उनकी जगह है। और 2000 स्क्वायर मीटर का प्रेयर हॉल है भाई इसमें। और अगर बताया जाए तो 30 मिलियन यूरो की लागत से भाई ये बनाया गया है पूरा आर्किटेक्चर। अगर एक चीज़ और बताई जाए तो ये जो पूरा एरिया है ना 8000 स्क्वायर मीटर में बनाया गया है, जिसमें लाइब्रेरी भी है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है, मॉस्क भी है। और अगर मॉस्क के आर्किटेक्चर के बारे में बताया जाए तो भाई पॉल बॉम करके हैं जिन्होंने भाई ये आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया है। तो बढ़िया है, अंदर चलते हैं और ट्राई करते हैं थोड़ा म्यूज़िक लगा के भी व्यू दिखाने का। चलते हैं भाई अंदर। देखो भाई यहाँ हम अंदर आ चुके हैं, यहाँ अपने शूज़ भी उतार देते हैं, बनाया हुआ है भाई जूता रखने के लिए। रख तो दिया है हमने, बहुत ही खूबसूरत भाई डिजाइन बना हुआ है यहाँ पे, तो और आगे चल के भी दिखाते हैं।
तो आई होप भाई जो मॉस्क है उसका जो अंदर का व्यू है, आर्किटेक्चर है, म्यूजिक के साथ देख के मजा आया होगा और भाई थोड़ा आइडिया लगा होगा क्या मस्त भाई अंदर से खूबसूरत बना रखा है लोगों के लिए वर्शिप करने के लिए, प्रेयर करने के लिए। तो भाई मजा तो आया ही देख के और जानने को भी मिला। और एक चीज दिखाते हैं जाते जाते, देखो ये है भाई सामने लाइब्रेरी, उसके बगल में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और ये भाई मॉस्क है जिससे अभी हम आए हैं। अब चलते हैं भाई यहाँ से नीचे की ओर। यहाँ से देखो भाई अब हम आगे जा रहे हैं अपना, जरा थोड़ा रोड क्रॉस कर लेते हैं भाई और अब थोड़ा खाने का भी जुगाड़ करने जा रहे हैं क्योंकि भूख भी लग रही है और लंच का भी समय तो हो ही रहा है। तो देखो यार रोड क्रॉस करके आ गए भाई, यहाँ पीछे से भी पूरा नजारा दिखता हुआ, जो अलग अलग स्काई स्क्रैपर्स हैं वो भी दिखते हुए यहाँ पे। और एक चीज बताई जाए ना, तो जैसे हम यहाँ आए तो भाई यहाँ पे ना हमारे लिए गाइडेड टूर भी था, उन्होंने हमें अंदर पॉइंट्स बताए। हालांकि जो टूर था वो भाई जर्मन में था तो थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा था और हमें भी जो इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत पता लगी पढ़ के वो हमने भाई साझा तो करी ही, क्योंकि जानने को भी मिलता है कि हम मॉस्क या सेंट्रल मॉस्क विजिट करने तो आए हैं लेकिन उसके बारे में क्या फैक्ट्स है वो भी पता लगते हैं, तो बढ़िया ही है भाई। वैसे बताया जाए तो एक चीज़ भाई हमें जानने को भी मिली कि जब हम अंदर थे ना तो जैसे शूज़ रखने की जगह होती है राइट, और जैसे कुछ लोग आगे जा रहे थे और ऊपर जा रहे थे तो भाई हम भी साथ साथ ऊपर चले गए, थोड़ा बहुत आगे गए तो उन्होंने कहा कि यहाँ सिर्फ लेडीज़ ही ऊपर जा सकती हैं, आप नीचे ही रहिए। तो भाई ये बात भी हमें जानने को मिली ठीक टाइम पे, पता तो लग ही गई। और वैसे एक चीज़ बताई जाए तो क्या क्या वॉल पे लिखा है, जैसे अंदर अगर म्यूज़िक के साथ वीडियो या विजुअल देखा होगा तो क्या क्या चीज़ें लिखी है, वो भी जो हमारी टूर गाइड है ना वो बताती जा रही थी कि इसका क्या मतलब है, यहाँ पे कौन से नाम मेंशनड हैं, और जैसे कि बाहर जो पिलर हैं उसका क्या मतलब है, डिज़ाइन किस हिसाब से बनाया गया है। जैसे कि लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी में अलग अलग भाषाओं में किताबें भी रखी रहती है, तो भाई इन डिटेल टूर कह सकते हैं था। इधर देखो हम एक पार्क से गुजर रहे हैं भाई, यहाँ सामने देखो कुछ ये पानी वाले झूले भी दिख रहे हैं भाई, मस्त लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ। ये देखो थोड़ा और जूम इन करके दिखाते हैं भाई, बढ़िया एकदम यहाँ पे। और भाई अगर बताया जाए तो जो हमारा ये पहला स्पॉट था सेंट्रल मॉस्क क्लोन का जिसमें हम फर्स्ट टाइम ही आए, इसका भाई अच्छा खूबसूरत एक्सपीरियंस तो रहा ही। हम अलग अलग स्पॉट्स में जाने ही वाले हैं, जैसे कि हमने बताया कि हम कैथेड्रल भी जाएंगे, सिनेगॉग भी देखेंगे, और जितना हमें पता लगा कि सिनेगॉग हम शायद हम बाहर से ही देख पाएंगे, पर भाई जो कैथेड्रल है वो भी हमने बाहर से ही देखा है, पर अब देखते हैं क्योंकि शायद इनमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन पता लगेगी तो बताते तो जाएंगे ही, दिखाते तो जाएंगे ही। अभी भाई भूख लग रही है तो देखो अभी हम यहाँ पे हैं भाई और आगे की ओर जाएंगे, यहाँ एक अंडरपास भी दिखता हुआ, यहाँ भाई अपना रेस्टोरेंट तक ऑलमोस्ट हम पहुंच ही रहे हैं डायरेक्शन देख देख के। यहाँ चलते चलते भाई देखो बड़ी आर्टिस्टिक डिजाइने भी दिख सकती है, यहाँ पे मस्त डिजाइन बना हुआ है वॉल पे भी। और चलते अपने खाने वाली जगह, देखो भाई यहाँ पे हम आए कुछ यहाँ पे प्रोग्राम टाइप का लग रहा है चल रहा हो। अरे वाह भाई यहाँ अलग अलग पौधे भी दिखते हुए, अलग अलग दुकानें लगी हुई है, यहाँ पे खाने पीने के भी ऑप्शन है लगता है यहाँ। ये देखो यहाँ बच्चे भी खेलते देख सकते हैं भाई, टॉयज रखे हुए हैं, किताबें रखी हुई हैं, मस्त है भाई। यहाँ देखो भाई यहाँ ऐसे गार्डन टाइप का बना हुआ है लोगों के लिए ड्रिंक्स के लिए भी। तो देखो भाई यहाँ पे आए हम अपना जरा खाना खाने, हमारा फलाफल टेलर भी आ चुका है यहाँ, ब्रेड अपने फलाफल के बॉल्स भी दिख सकते हैं और सलाद भी साथ में और सॉस भाई, इसे भी निपटा ही रहे हैं और फिर बात करते हैं। तो भाई खाना तो हम अपना बढ़िया निपटे और देखो अपनी जो अगली लोकेशन है उस तक भी ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं। थोड़ा रोड क्रॉस कर लेते हैं और फिर घूम के दिखाते हैं भाई। रोड तो हम क्रॉस करके आ गए और ये देखो हमारे सामने अब ये सिनेगॉग दिखता हुआ, हम चलते जाते हैं। और ये देखो भाई यहाँ सामने ऐसे पोस्टर भी लगा रखा है। वैसे ये जो सिनेगॉग है ना भाई आज बंद है टूरिस्ट विजिट के लिए, बाहर से हम देख सकते हैं क्योंकि आज भाई शबात है तो जो लोग मानने वाले हैं वो आज के दिन जाते हैं, तो भाई हम तो बाहर से ही देख रहे हैं। ये देखो यहाँ पे और हमारी जो बस है जिससे आज हम ट्रिप पे आए वो भी सामने आ चुकी है। अगर कुछ बातें बताई जाए भाई सिनेगॉग के बारे में जो हमें भी पता लगी है वो ये है कि ये जो सिनेगॉग है ना भाई ये जर्मनी का लार्जेस्ट सेंटर है ज्यूइश कम्युनिटी का, और ये वन ऑफ द सिक्स सिनेगॉग्स है क्लोन में जो रिबिल्ट हुआ है भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। और अगर एक और चीज़ बताई जाए तो ये जो सिनेगॉग है ना भाई ये 1895 से 1899 के बीच में बनाया गया, उसके बाद 1950 में रिबिल्ड भी किया गया, और अक्टूबर 2020 में जो कोलोन की सिटी है ना उसने 42 मिलियन यूरोस भाई दिए कि इसको रिमॉडल करो और हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट की तरह प्रोटेक्ट करके रखो। वैसे अब हमारे यहाँ से चलने का समय आ चुका है क्योंकि हम बाहर से ही देख पा रहे हैं सिनेगॉग को। वैसे चलते हैं भाई और आगे की बात बताते हैं फिर अगली लोकेशन पे। तो भाई बस से तो हम उतर गए, अगली लोकेशन की तरफ तो जा ही रहे हैं। तो भाई चलते चलते बात बताई जाए जो सिनेगॉग की हम बात कर रहे थे, कोलोन में ना भाई जर्मनी की लार्जेस्ट ज्यूइश कम्युनिटी है जिसमें 4000 मेंबर्स हैं। सिनेगॉग की बात करी जाए तो उसमें जो प्रेयर रूम है उसमें 800 सीट्स हैं मेन के लिए और 600 सीट्स हैं वुमेन के लिए। और एक चीज भाई, जो सिनेगॉग जब से बना उसके बाद कई बार डैमेज हुआ, जलाया गया, इसीलिए उसको स्टैंडर्ड लाइन में लाने के लिए हिस्टोरिकल प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स की तरह रखने के लिए रिमॉडल या रीडिजाइन करा गया जैसा बताया फंड दे के। और देखो भाई जैसे ही हम यहाँ से निकलते हैं हम अपनी अगली लोकेशन पे आ जाते हैं, सामने जो है कैथेड्रल या डॉम कह सकते हैं दिखता हुआ। चलते चलते एकदम खूबसूरत व्यू आता हुआ ये विशाल काय कैथेड्रल का अपना, और आगे चल के दिखाते तो हैं ही। ये देखो भाई जरा रोड क्रॉस करके चला जाए तो थोड़ा
सामने पहुंचते हैं। ये देखो भाई, इस डायरेक्शन से हम शायद फर्स्ट टाइम ही आए भाई कैथेड्रल देखने। ये देखो भाई, यहाँ पे हमारे जस्ट सामने विशाल का है कैथेड्रल दिखता हुआ, बहुत ही सुंदर नजारा। ये देखो यहाँ लगता है कुछ चल भी रहा भाई कोलोन क्लब की तरफ से। हम भी चल के भाई यहाँ का नजारा दिखाते हैं। हालांकि ऐसे एक्सप्लोर करते रहो तो अलग अलग इन्फॉर्मेशन तो पता लगती रहती है। जैसे हमने बताया कि कोलोन में लार्जेस्ट ज्यूइश कम्युनिटी है, हालांकि वो ओल्डेस्ट भी है भाई नॉर्थ ऑफ द एल्प्स की, तो इंटरेस्टिंग बात तो लगती है भाई। और चलते हैं पीछे की ओर। देखो यहाँ से आगे चला जाए तो सामने एक फाउंटेन भी भाई दिखता हुआ जरा। ये देखो भाई यहाँ पे मस्त ऐसे फाउंटेन भी बना रखा है और हम आगे घूम के भी जा सकते हैं। एक देखो फाउंटेन यहाँ पे भी है भाई, और ऐसे हम घूम के जाएंगे ना तो हमें हॉप बॉनोफ भी दिखने लगेगा। चल के दिखाते हैं। देखो भाई सामने हॉप बॉनोफ का झलक दिखता हुआ। हालांकि हमने यंत्र डाल लिया क्योंकि हमारा गाइडेड टूर चालू हो गया, तो चलते हैं अंदर भाई और दिखाते हैं। तो फर्स्ट टाइम ही हम भाई इस विशाल का कैथेड्रल के अंदर जाने वाले हैं, तो चलते हैं और थोड़ा म्यूजिक भी लगाएंगे बीच में व्यू दिखाते दिखाते। Thank you.
हमारे साथ म्यूजिक के साथ कैथेड्रल का नजारा और आर्किटेक्चर देख के मजा आया होगा। बताया जाए तो हमारा जो गाइडेड टूर था वो भाई जर्मन में ही था और अलग अलग जगह ले जा रहे थे और बताते जा रहे थे। अगर एक बात बताई जाए तो भाई जो कोलोन कैथेड्रल है ना, ये वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट गोथिक स्टाइल कैथेड्रल है। और भाई ट्राई करेंगे इसके बारे में विस्तार से किसी अलग ब्लॉग में बात करने का, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार के फैक्ट्स हैं। हालांकि हम भाई यहाँ बैठे और आनंद ले रहे हैं व्यू का, आज हमें इस इंटर रिलीजियस एक्सकर्जन के माध्यम से भी अलग अलग जगह जाने का मौका मिला। हालांकि जो कह सकते हैं यहाँ पे जो लीड कर रही थी जो लेडी है, उन्होंने भाई हमको यही बोला कि उनका मन है कि टेम्पल भी जाएं, लेकिन बात यह है कि जो यहाँ पे टेम्पल है ना वो भाई सिर्फ संडे खुलता है और ऑर्गेनाइजेशनल इशू के कारण संडे का प्लान बन नहीं पाया। नहीं तो उनका मन था कि टेम्पल भी देखें। तो भाई अच्छा लगा सुन के भी और अच्छा जेस्चर रहा उनकी तरफ से भी कि अलग अलग जगह हमें ले गई। तो जहाँ हम गए वहाँ हमारे लिए गाइडेड टूर भी था। हालांकि प्राइस का क्या डिटेल है ये हमारे हम पोस्ट ट्रेवल एक्सपीरियंस व्लॉग में भी बात कर सकते हैं, क्योंकि हम इस बारे में भी बात करेंगे कि हमें यहाँ आने का मौका कैसे मिला। तो वो कहानी व्लॉग बिल्कुल देखना, मतलब मैं रिकमेंड करूँगा जब टाइम मिले जब समय मिले, उसमें हम ये सारे एस्पेक्ट्स कवर करेंगे। आज तो हम भाई जो खूबसूरती है उसका आनंद उठा रहे हैं, एक से एक जो आर्किटेक्चर भाई बने हैं और देखने को मिल ही रहा है। और एक चीज़ जैसे उन्होंने और बोली कि फ्राइडे भाई जुम्मे का दिन होता है, सैटरडे आज शबत है तो हम बाहर से ही देख पाए, संडे क्रिश्चियंस जाके भी वर्शिप करते हैं। तो भाई अलग अलग दिन अलग अलग लोग अपने अपने हिसाब से वर्शिप करते हैं, प्रे करते हैं, पर भाई इंटर रिलीजियस एक्सकर्जन के माध्यम से ये बातें जानने को भी मिलती हैं कि भाई लोग कैसे कहाँ जाते हैं, क्या उनका वे ऑफ वर्शिप है, राइट। क्योंकि जब हम मॉस्क भी गए थे तो वहाँ भी उन्होंने एक्सप्लेन किया था। हालांकि हमारा गाइडेड टूर जर्मन में था पर हमें इन्फॉर्मेशन जितनी मिल पा रही थी उतना हम भाई समझ तो पा ही रहे थे, कोशिश कर रहे थे। और अब सोच रहे हैं यहाँ से अपना भाई चला जाए। देखो भाई यही देखते देखते लोग भी अपना वापसी कर ही रहे हैं यहाँ पे। यहाँ से अब हम बाहर की ओर भी निकलते हैं ज़रा अपना। चलो भाई ये देखो बढ़िया एकदम चमकती धूप तो निकली हुई है भाई एकदम। हम यहाँ भाई बाहर भी आ चुके हैं अपने कैथेड्रल के, और यहाँ से बाहर निकलते ही देखो भाई यहाँ पे ऐसे अलग अलग फ्लैग जो है बना रहे हैं अपने हाथों से भाई। बहुत ही खूबसूरत लगता हुआ देख के, अरे इंडिया का फ्लैग भी दिखता हुआ थोड़ा घूम के दिखाते हैं अलग अलग जो देश है अलग अलग कंट्रीज है उनके। देखो फ्लैग दिखते हुए यहाँ भाई भारत का भी झंडा दिखता हुआ मस्त। चल चल के भाई हम अपनी बस तक भी आ गए। और भाई फाइनली हम आ चुके हैं जहाँ से हम अपना शुरुआत किए थे, चलते हैं रूम पे। और हम अपना भाई कमरे की तरफ तो जा ही रहे हैं। तो आई होप हमारे साथ आज के दिन का पूरा व्लॉग देख के ये जो रिलीजियस एक्सकर्जन हुआ मज़ा आया होगा भाई। जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया उनका भी भाई तहे दिल से शुक्रिया अदा तो करते ही हैं। अलग अलग जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वो देखने को मिली, जानने को मिली, उनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी पता लगी। और जैसे बताया कि अपना जो कैथेड्रल है ट्राई करेंगे जो डॉम है उसके बारे में अलग से विस्तार से बात करने का। अभी तो जाके भाई थोड़े समय में अपना आराम करते हैं। और क्या प्राइस रहा, कैसे जाने का मौका मिला, कैसा अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस रहा, इस बारे में कोशिश करते हैं कि कल के व्लॉग में बात करते हैं। तो जुड़े तो रहना ही, आज के व्लॉग का अंतर समापन करते हैं सभी का धन्यवाद करते हुए। बाकी तो पता ही है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा टाइम लगता नहीं। बाय बाय, चाओ चाओ, नमस्ते। चलो नए दिन नए व्लॉग में मिलते हैं और अलग अलग प्लेलिस्ट में जाके अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वीडियोज़ देख ही सकते हो। बाय बाय।